नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती भूमि हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बवासीर यानी पाइल्स आर्स जिसको बोलते हैं, और बवासीर कितने प्रकार के होते हैं, इससे बचाव क्या है, इसमें हम क्या सेवन करें, और हो जाने के बाद होम्योपैथ की कौन सी मेडिसिन का यूज करें जिससे पाइल से हमें आराम मिल जाए। दोस्तों, पहले तो हम जाने कि बवासीर कितने प्रकार के होते हैं। बवासीर दो प्रकार के होते हैं, पहला खूनी और दूसरा बादी। खूनी का मतलब जिसमें ब्लड आता है, बादी का मतलब जिसमें दर्द होता है। खूनी और बादी बवासीर दोनों ही कष्टदायक हैं। यह बवासीर का शिकायत उन्हीं लोगों को होता है जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, और कब्ज का प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होता है जो लोग भोजन को चबा के नहीं खाते, पानी कम पिएंगे, सीजन के हिसाब से फल और सब्जियां नहीं सेवन करेंगे, मार्केट का चीज़ का अधिक सेवन करेंगे, मैदा वाला चीज़ अधिक खाएंगे, उन्हीं को पाइल्स यानी बवासीर का शिकायत होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ध्यान दें कि बवासीर को ठीक करने के कौन से ऐसे तरीके अपनाएं जिससे बवासीर हमेशा रहे सही हो जाए। सबसे पहले तो हम ध्यान दें कि सुबह फ्रेश होने के बाद हमें एक केला ले लें, उसके बाद केले में होम्योपैथ की मेडिसिन ब्लूमिया ओडोरेटा क्यूब और 15 बूंद मिला करके 21 दिन सेवन करेंगे, बवासीर चाहे खूनी हो या बादी दोनों जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जिनको डायबिटीज है, जो लोग केला नहीं खाते या जिनको जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है, उनके लिए ब्लूमिया ओडोरेटा क्यूब 15 बूंद सुबह खाली पेटे पीकर, उसके बाद गाय का एक गिलास हल्का गुनगुना दूध 21 दिन पी लें, बवासीर हमेशा होने खत्म हो जाएगा। अगर इसको सेवन करने के बाद भी किसी को प्रॉब्लम रह जाता है जिससे पाइल्स यानी बवासीर उनका ठीक नहीं होता है, तो मैं होम्योपैथ का कुछ मिक्सचर बता रहा हूँ जिसको सेवन करने से बवासीर चाहे खूनी हो या बादी वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसको नोट कर लें, जैसे हेमोमेलिस क्यू पावर, पियोमिया क्यू पावर, एस्कुलस ही क्यू पावर, तीनों मेडिसिन को हाफ ओंस ले लीजिए और एक में मिक्स कर लीजिए। इसकी 20-20 बूंद की मात्रा जिनका एज 12 साल से ऊपर है वो तीन बार सेवन करें, सुबह दोपहर शाम पानी में मिला के। जिनका उम्र 12 साल से लेकर के 5 तक के बीच में है वो 10-10 बूंद तीन बार सेवन करें। जो बच्चे छोटे हों, जैसे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल यानी 5 साल के नीचे, वो 3 बूंद तीन बार सेवन करें। इसको नियमित 1.5 महीने तक सेवन कर लें, बवासीर हमेशा होते ख़त्म हो जाएगा। जब मेडिसिन सेवन करने के बाद भी अगर आपको पूरी तरह से आराम ना मिले, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर उस पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर कॉल ना करके मैसेज कर दें। हम उसको रीड करने के बाद आपकी डिजीज के हिसाब से अगर कोई दूसरी मेडिसिन आती है तो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे मेडिसिन मैसेज कर दूंगा, जिससे आपका पाइल्स पूरा कंप्लीट हमेशा बदे क्योर हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 94-15-87-23-06 पे आप मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा, और मैं मेडिसिन उस पर जो मैसेज करूंगा वो आपके डिजीज के हिसाब से आपके डिजीज को क्योर कर देगा। दोस्तों, हमने अभी आपको पाइल्स के बारे में जो बताया, एक बार मैं उसको पुनः रिपीट कर देता हूं, और जिसको आप ध्यान में रखें और इसका यूज करें। सबसे पहले तो हम ध्यान रखें कि जिनको पास डायबिटीज है वो केला में यूज नहीं करेंगे, बल्कि 15 बूंद ब्लूमिया ओडोरेटा क्यू पावर सुबह खाली पेटे लेकर गाय का एक गिलास दूध पी लें। और जिनके पास डायबिटीज नहीं है वो किसी भी तरह से, जैसे केले में भी ले सकते हैं, दूध के भी साथ ले सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सुबह खाली पेटे 15 बूंद दवा ब्लूमिया ओडोरेटा क्यू पावर और केले में मिला करके पर डे नियम से खाली पेटे लें, आपका पाइल्स खत्म हो जाएगा। अगर इसको सेवन करने के बाद आपको भरपूर मात्रा में रिलैक्स नहीं मिला, तो आप होम्योपैथ की मेडिसिन एस्कुलस ही क्यू पावर, पियोनिया क्यू और हेमोमेलिस क्यू, तीनों हाफ ओंस लेकर के मिक्स कर लें, और इसमें से
15-15 बूंद 3 बार सुबह दोपहर शाम ले। जिनका एज 12 साल से ऊपर हो, जो लोग 5 और 12 के बीच में है वो इसमें की 10 बूंद, और जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 5 वो इस मेडिसिन को 3-3 बूंद के हिसाब से 3 बार ले। पाइल्स हमेशा वाले खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके नई बीमारी लेकर के।